कम है। अगर शिक्षा की तरफ ध्यान ज्यादा होता तो हमारा पुराने का समाज अपने समाज के लोगों को शासन में लाने की कोशिश करता। बाबा साहब ने एक चीज और कही थी कि मैंने आपको 26 जनवरी 1950 को एक ऐसा ग्रंथ दे दिया है जिसकी वजह से आप सत्ता में भी आ सकते हैं, शासन भी कर सकते हैं, शासक भी बन सकते हैं, कि आप अंधविश्वास और पाखंडवाद को छोड़ करके जो बाबा साहब रास्ता अपनाया था, जो रास्ता उन्होंने दिया था अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए, उस पर हम लोग नहीं चल पाए पूर्ण रूप से। यही कारण है कि हम लोग शासन और शासक की तरफ नहीं हो पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने स्वरूप का छोड़ दिया कि हनुमान दलित थे। हमारे लोगों ने क्या किया, मंत्र मंत्र जाना शुरू कर दिया, कब्जा करता थावा बोल दिया, केंद्र मंत्र हमारा है, हम इस पर कब्जा करेंगे। बाबा साहब 70 साल पहले आपको संविधान दिया था, उन्होंने कहा था कि आप संविधान पर, आप संसद पर कब्जा करो, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अगर बाबा साहब की बात को माना होगा तो उस टाइम से अब तक संसद पर कब्जा किया होता। संसद पर कब्जा करने का मतलब है आपने अपने समाज के लोगों को सुना होता तो आपका शासन भी होता और शासक भी होता। शासन और शासक होता किसका, जिनका अपना कोई धर्म होता है, जिनकी कोई अपनी एकता होती है, उनका शासन भी होता है, शासक भी होता है। ना हमारा कोई धर्म है, ना हमारे अंदर एकता है। हम अपने आप को हिंदू कहते जरूर है, क्या हमें कोई लोग हिंदू मानते हो? अगर आपको हम हिंदू मानते तो मंदिर में जो लोग जाते हैं उनकी कुटाई नहीं होती, उनकी कुटाई नहीं होती। हम ही सिर्फ हिंदू कह रहे हैं, हम हिंदू हैं। अगर उन्होंने हिंदू माना होता तो उनके साथ अत्याचार नहीं होते, ये अनाचार नहीं होते। हमारे राजे घर की चीजें अभी भूल देना चाहता हूँ कि बेटी संजलि का आगरा के अंदर क्या हुआ, उन्होंने हमको हिंदू नहीं माना था। अगर हिंदू मानते तो ये कांड नहीं होगा। हिंदू तब तक मानते जब तक आपका वोट उनको लेना होगा, तब तक वो आपको हिंदू मानते हैं।